नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरोज, शाही नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को समूचे देश की जनता ने अलग अलग स्थानों पर अपनी श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से गुजरात तक देश की आम जनता शहीद जवानों के बलिदान को सलाम करते हुए अलग अलग तरीकों से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रही है। इसी कड़ी में शहर के फोटोग्राफर व वीडियोग्राफर ने कैंडल मार्च निकालकर मालवीय चौक पर 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों के नाम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस प्रकार दिव्यांग संघर्ष समिति के तत्वाधान में पुतला दहन कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। दिव्यांग संघर्ष समिति के आतंकवाद के साथ अभिनेता शाहरुख खान का भी पुतला दहन किया गया। उनका कहना है कि शाहरुख खान ने 45 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए हैं और शहीदों को नमन तक नहीं किया। सदस्यों का कहना है कि शाहरुख खान को गोली मारकर देश से बाहर कर देना चाहिए। आपको बता दें, 14 फरवरी को पुलवामा में हुए घटना के बाद से पूरे देश में आतंक के खिलाफ गुस्सा साफ झलक रहा है। हर राज्य में लोगों ने सड़क पर उतरकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों को सख्त सबक सिखाने के तमाम संदेश लिखे गए। पुलवामा में हमले के बाद से ही सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं जिनके माध्यम से लोगों ने सरकार से आतंकी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की बात कही। भैया बताइए, पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ उसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए, जिनका पूरे हिंदुस्तान को गम है, दुख है। इसीलिए आज हम सभी फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर ने कैंडल मार्च निकाला एवं उन शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। और उम्मीद करते हैं हम गवर्नमेंट से, सरकार से, कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कश्मीर हिंदुस्तान का एक अंग है, वहाँ 370 की धारा लगी हुई है, उसे भी जल्द से जल्द अलग की जाए, यही उम्मीद है। और निश्चित है कि हम लोगों की उम्मीदों पर सरकार खरी उतरेगी और 370 की धारा को अलग करेगी। नाम बताएं। देवेंद्र पटेल, फोटोग्राफर, जबलपुर। भैया एक मिनट बोलो जी, बताएं। आज हमारी संस्था के तत्वाधान में, दिव्यांग संघर्ष समिति के तत्वाधान में, पाकिस्तान ने जो एक कमीना कारियाना हरकत की है पुलवामा में हमारे शहीदों के साथ, उसके विरोध में उसका पुतला दहन हम लोगों ने किया है और अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया है। और ये जो पुतला जलाया है, शाहरुख खान का भी पुतला है। शाहरुख खान जो अभिनेता, फिल्म स्टार, बॉलीवुड वाले उसको बिग बॉस बोलते हैं, ऐसे बिग बॉस को, ऐसे शाहरुख खान को हम लोगों ने आज उसका पुतला जलाया है, जिसने पाकिस्तान को 45 करोड़ रुपये सहायता राशि दी हुई है और हमारे शहीदों को उसने नमन तक नहीं किया, ना ही एक श्रद्धांजलि दी। ऐसे अभिनेता को देश से बाहर कर देना चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे अभिनेताओं को और ऐसे गद्दारों को देश से गोली मार कर बाहर कर दो। इनको ना ही हमारे यहाँ फिल्म बनाने दो, ना ही कोई अभिनय करने दो। आज ये पुतला दहन शाहरुख खान और उन आतंकवादियों और उस पाकिस्तान कमीने का किया गया है, जिसने हमारे सैनिकों के साथ एक कुर्ता व्यवहार किया है, ये बेसियानापन किया है, ये गुंडागर्दी साक्षात। कौन सी संस्था द्वारा किया? ये हमारे दिव्यांग संघर्ष समिति जबलपुर मध्य प्रदेश। देवेन सोनी, मध्य प्रदेश अध्यक्ष, दिव्यांग संघर्ष समिति, जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।